नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। फर्स्ट फेज के लिए इस वक्त पोलिंग चल रही है। 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिन 16 करोड़ मतदाताओं की 16 करोड़ से भी ज्यादा है, 16.63 यानी 16,63,63 मतदाताओं की हम बात कर रहे हैं, जिनमें से 35 लाख से ज्यादा जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वोटर टर्नआउट अभी तक देखने को मिला है। उत्तराखंड में 45% से थोड़ा ज्यादा मतदान देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में 66% से ज्यादा वोट पड़ा है। आसाम में 60% से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 58% से ज्यादा वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। वहीं महाराष्ट्र में 44% से थोड़ा सा ज्यादा, मणिपुर में 62% से ज्यादा वोटर टर्नआउट अभी तक देखने को मिला है। तो पहला फेज जिसमें 102 सीटें थी, और इन 102 सीटों में से बीजेपी ने 40 पर बाजी मारी थी, और ऐसे टाइम पर जब बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, ऐसे में आप कह सकते हैं करीब 19% इंडियन पार्लियामेंट की, भारतीय संसद की जो सीटें हैं उन पर इस वक्त मतदान चल रहा है। ओके, खास मेहमान हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, आप देख पा रहे हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं, और अजय भटनागर भोपाल से हमारे साथ हैं। अजय भटनागर, सीधी शाहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ का गढ़ भी कहा जाता है, और असेंबली में जब एक तरह से प्रचंड एक तरह की वेव देखने को मिली बीजेपी की, छिंदवाड़ा में कुछ सीटों की कमी रह गई थी। इस वक्त अगर ग्राउंड रिपोर्ट के लिहाज से आपसे बात करूं, तो इन सीटों से जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मतदान को लेकर। मतदान बढ़ाने को लेकर जो प्रयास किए गए थे, चुनाव आयोग की तरफ से भी किए गए थे, राजनीतिक दलों के भी मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, उस मतदान को अगर देखें तो अभी तक 3 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास आया वो काफी संतोषजनक है। पिछली बार 71% मतदान पूरे प्रदेश भर में हुआ था, 53% मतदान 3 बजे तक हो चुका था इन 6 विधानसभा सीटों में, जिसमें से वो 6 संसदीय सीटों में, जिसमें से 3 संसदीय सीटें ऐसी हैं, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा। ये तीनों आदिवासी बाहुल्य है, जिसमें से बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, यहाँ भी 60% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। जहाँ तक बात करें सियासी घमासान की, तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा अगर हॉट सीट अगर कहा जाए तो छिंदवाड़ा है, क्योंकि कमलनाथ की साख वहाँ दांव पर लगी है। वहीं पर अमित शाह, उन्होंने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले रखा था, चुनाव प्रबंधन जो बूथ प्रबंधन होता है वो पूरा अपने हाथ में ले रखा था, और माइक्रो मैनेजमेंट था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से 28 इनके पास हैं, सिर्फ एक छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जो कि अवैध किला बनी हुई थी कांग्रेस की, वो उनके पास नहीं थी, और उसको लेने के लिए तमाम सारे जतन किए गए, कई स्तरों पर प्रयास किए गए, जो कमलनाथ के करीबी लोग थे उनको बीजेपी में शामिल कराया गया। और अभी जो मतदान की स्थिति सामने देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक कांटे की टक्कर सामने दिखाई दे रही है। जी अभिषेक हमारे साथ मुंबई से हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र की बात की जाए, मिनिस्टर नितिन गडकरी की सीट पर आज वोटिंग हो रही है, और भी कई हाई प्रोफाइल सीट्स, सबसे पहले मतदान को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है आपके पास? देखिए, 3 बजे तक जो मतदान का टर्नआउट है वो करीब 42% के आसपास है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि जिस हिसाब से कोशिश की जा रही थी वो वैसा नहीं हो पाया है, मतलब ट्रेंड वैसे ही रहेगा जैसा चल रहा है। हाल नितिन गडकरी को लेकर के बीजेपी के नेता हों वो काफ़ी अस्वस्थ दिख रहे हैं, क्योंकि जिस नागपुर की सीट पर अमूमन पूरा फोर्सफुली जिस तरीके से एक्टिव थे नितिन गडकरी, पिछले काफ़ी समय से उन्होंने आसपास की सीटें छोड़ करके बाहर कहीं प्रचार करने के लिए नहीं गए। अमूमन नितिन गडकरी को हाईवे मैन की कैटेगरी में रखा जाता है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा हाईवे तेज़ी के साथ बनाने के लिए जाना जाता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण का फैक्टर था, नितिन गडकरी ब्राह्मण थे जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट ओबीसी थे, और ओबीसी की एक काफ़ी ज़्यादा संख्या है वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर उसको साधने की कोशिश की। दूसरा महत्वपूर्ण जो है वहाँ पर चंद्रपुर है, चंद्रपुर में सुधीर मुनगुंटीवार जो कि महाराष्ट्र के दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनकी सीट फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर जो वर्तमान सांसद थे कांग्रेस के, उनकी मौत हो गई है, सिंपैथी फैक्टर उनकी पत्नी के साथ है,
और उसको लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुल 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, शाम 5-6 बजे तक जो मतदान है, लेकिन उसके पहले कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए लाया जाए ताकि जो चुनावी नतीजे आए वो सही तरीके से उस पर फिट बैठे। और हर पार्टियों के कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने मतदाताओं को, जो उनसे जुड़े लोग हैं, उनको पोलिंग बूथ तक लाया जाए। ठीक है, किसके साथ सिंपति है, किसके साथ जनता का वोट है, ये 4 जून को पता चलेगा। और यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते हम वोटिंग को इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से करने की कोशिश यहाँ नहीं कर रहे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई खास मेहमान, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लगातार हमारे साथ हैं। सौरभ मालवीय, सबसे पहले आप ही से सवाल है सर, एज एन एक्सपर्ट, ये जो लड़ाई है जिसे बीजेपी कह रही है मोदी की गारंटी, फिर एक बार 400 पार की बात की जा रही है, मोदी सरकार की बात की जा रही है, वर्सेस ऑपोजिशन का जो नैरेटिव है कि ये संविधान लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई का मेन मुद्दे जो है वो है महंगाई और बेरोजगारी, किसका नैरेटिव ज्यादा पावरफुल लग रहा है आपको? देखिए अदिति जी, निश्चित तौर पर जब लोकतंत्र में चुनाव के पर्व पर हम आते हैं तो सभी अपने अपने दावे करते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए भी देखते हैं तो 10 साल के कार्यकाल को पूरा करना, 2014 में एक पूरी बहुमत के साथ सरकार और 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार, एक कहीं ना कहीं बड़ा विश्वास दिखता है बीजेपी के तरफ, यानी एनडीए के साथ। एक बात, दूसरी बात कि एनडीए वर्सेस जब एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन की शुरुआत होती है और लीडरशिप की क्राइसिस जो अभी तक बनी हुई है, खास करके उत्तर प्रदेश के चरण में हम बात करें और देखें तो जिन 8 सीटों पर आज इलेक्शन है वहां पर 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो बीजेपी के लिए करो मरो की स्थिति है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जैसे जगह पर 5,000 की मार्जिन से जीतते हैं तो फिर से यदि ध्रुवीकरण होता है, यदि वहां पर डोमिनेटेड जो जातिगत समीकरण है उसके आधार पर भी देखते हैं तो बहुत आसान राह नहीं नजर आता है। एक बात, दूसरी बात, 2014 के बाद कहीं देश में एक अलग प्रकार की एक नई बात आ गई थी, एक नई नैरेटिव गढ़ने में या मानने में या स्वीकारने में या प्रचलन में बात आ गई, वो बात आ गई कि जात धर्म की बजाय एक विकासवाद की नारे आ गए। वही नारा बीजेपी के लिए 400 पार का हिम्मत या साहस दिया है, जिसका बार बार जिक्र है, अब की बार 400 पार, यानी हम एजेंडा को लेके जाना। तो 10 साल जो शासन में होता है और शासन के बाद 400 पार की बात करता है तो उसके पास बड़ा पावर है, यानी बड़े एक विश्वास के साथ उतर रहा है। ऐसे में विपक्ष किस तरह से किन किन चीजों को लेके आता है, मुझे लगता है खास करके उन राज्यों को, यानी साउथ को छोड़ दें या साउथ से भी ले लें या फिर नॉर्थ ईस्ट को ले लें, यहां तक कि उत्तर प्रदेश को ले लें, पूर्वांचल के हिस्सों को ले लें, इन सब चीजों का जब हम क्षेत्रवार देखेंगे तो दो चीजें बड़ी साफ दिखती हैं, इंडिया गठबंधन के पास नेतृत्व की क्राइसिस वर्सेस एनडीए गठबंधन के पास मजबूत नेतृत्व, यानी चाचा भतीजा भाई, दो लड़कों की जोड़ी, ये सब धीरे 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 ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसमें मैं वरुण पुरोहित से जवाब लेती हूँ। वरुण पुरोहित ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष का गठबंधन है उसके पास नरेंद्र मोदी के चेहरे का कोई तोड़ नहीं है, और ये तमाम एक्सपर्ट्स बीते सालों में, बीते महीनों में ऑपोजिशन के साथ आने के बाद से लगातार उठा रहे हैं, और वही बात एक बार फिर से पॉलिटिकल एनालिस्ट उठा रहे हैं। अदिति जी, सबका अपना मत, अपना विचार, अपना एनालिसिस होता है। देखिए, मैं आज गया सबसे पहले सुबह 7 बजे वोट देके आया, लोगों की भीड़ थी सुबह सुबह थोड़ी बहुत। सबसे पहले चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद देता हूँ, पहले 50 वोटर्स को उन्होंने स्क्रैच कार्ड दिए, इनाम में किसी के चॉकलेट, किसी के टी शर्ट ऐसा निकला, एक प्रोत्साहित किया ज्यादा से ज्यादा चुनाव में लोग वोट देने के लिए। देखिए, ये जितना भी परसेप्शन कर लें, 10 साल हो गए इस सरकार को, लोग जो है परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान। आज मैंने देखा जो वरिष्ठ नागरिक थे वो सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित थे, उनकी कहीं इनकम नहीं हो रही, कहीं बड़ी परेशानी थी उनके पास, मैंने कहीं उनसे चर्चा करी। और जो किसान है वो तो परेशान है, पूरे देश में सबको पता है। तो अलग अलग वर्ग की अलग अलग समस्याएं हैं, और जो ये मोदी जी का नैरेटिव या विपक्ष के पास चेहरा नहीं नैरेटिव, ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा पब्लिक को। जो कमिटेड होगा बीजेपी का वोटर वो तो उनको देगा, बाकी वोट मुझे नहीं लगता इनको मिलेगा, क्यों? बेरोजगारी की तो इतनी जबरदस्त, महंगाई इससे बात करो, महंगाई बात भी सही है, हम भी जाते हैं बाजार, दिन पर इतनी महंगाई, इनकम सोर्सेस खत्म हो गए, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो पब्लिक इस चीज को देखती है, पब्लिक को पता है कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, जब इंदिरा जी का टाइम था ना 77 में, जब कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था और इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता, उसमें प्रोपोगंडा के कोई माध्यम भी नहीं थे, उसके बावजूद जनता ने कांग्रेस की टेबल से पर्ची बनाते थे, अंदर जाके दूसरा वोट दे के आते।
सर, जिसे आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा के माध्यम नहीं थे, उसे मैं ये भी कह सकती हूँ उस समय जानकारी के साधन नहीं थे। तो देखने देखने का नजरिया है, और लोकतंत्र में राइट टू इन्फॉर्मेशन सबके पास होना चाहिए। आपकी पार्टी ने तो इस दिशा में काम किया है, तो किसी भी माध्यम को प्रोपेगेंडा बताकर सिर्फ स्ट्रेट अवे डिसमिस कर देना, मुझे लगता है कोई भी जो स्ट्रांग ओपोनेंट होगा वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। जवाब ले लीजिए, आपने सवाल उठाया रुचिका जी, ये कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं देश के सामने। चलिए, उनके साथ हमारा संपर्क इस वक्त टूटा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे थे, अब आप पी चिदम्बरम को देख रहे हैं, और ये तमाम वो दिग्गज हैं जिनके द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर हम आपसे ये कह रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुमार राकेश जी, एक तरफ ये तस्वीरें साउथ की तस्वीरें आज हमने देखा, बहुत ज़्यादा तस्वीरें अगर कहीं की आई तो वो तमिलनाडु से आई, और बड़ी संख्या में कैसे वहाँ पर क्या VIP और क्या आम लोग सब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक काफ़ी अवेयरनेस के लिहाज से बात की जाए तो जो इलेक्शन कमीशन की कोशिशें हैं वो भी वहाँ ग्राउंड पर ट्रांसलेट होती दिख रही हैं। और साथ ही मैं वोटर से भी कहना चाहती हूँ, अगर आप इन 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहना चाहते हैं तो आज आपका दिन है, क्योंकि आज कोई VIP नहीं है और आज कोई आम व्यक्ति नहीं है, सबके पास एक एक वोट है। मेरे वोट में भी उतनी ही ताकत है जितनी इन VIPs के, और आपके वोट में भी उतनी ही ताकत है जिन VIPs की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, ये सिर्फ आपका हक नहीं, आपकी ड्यूटी भी है। राकेश जी, सबसे पहले तो वोटर टर्नआउट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको लगता है जैसे जैसे क्लोज होने का टाइम आता जाएगा ये वोटिंग परसेंटेज जो है ये बढ़ेगा, और अभी तक का वोटिंग ट्रेंड आपको किस तरफ इशारा कर रहा है? आपने जो सवाल किया, 7 से 6 बजे तक का टाइम ही है वोटिंग का, और इलेक्शन कमीशन अपने स्तर से काफ़ी कोशिश की है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन अवेयरनेस प्रोग्राम है वो धरातल तक नहीं पहुंचा, लोगों के अवेयरनेस तक नहीं पहुंचा। हालांकि उन्होंने कई तरह के ब्रांड एम्बेसडर्स, कई तरह के ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इस्तेमाल किया कि वोट के प्रति जागरूकता हो, जैसे कि वोटिंग डे इज़ नॉट अ होलीडे लाइक दैट। तो ऐसे कई लोगों ने, कई प्राइवेट कंपनीज ने भी, NGO ने भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा धर्म भी है, हमारी हमारे पावर भी है, और इसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई दोमत नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो अभी जो भी एक ऑन एन एवरेज अंडर 50% ही है, मतलब ये एवरेज देखा जाए महाराष्ट्र में 60% है, मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा, असम में भी करीब 60+ है, असम में भी। तो मतलब जहाँ जहाँ अवेयरनेस हैं लोग या अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं तो लगता है उन्होंने ज़्यादा वोट दिए हैं। सिक्किम में और अरुणाचल में दोनों जगह विधानसभा भी है, वहाँ का भी जो मेरे पास रिपोर्ट्स है, मैं पिछले नॉर्थ ईस्ट भी गया था और फिर मैं इधर उत्तराखंड और कई क्षेत्र में मैं गया था, तो मैं आपको ग्राउंड लेवल पर बता सकता हूँ कि लोगों में जो जागरूकता है। लेकिन कई कई जगह मुझे उदासीनता भी दिखी कि मतलब उसमें उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने जो 4% का सवाल किया है वो थोड़ा लगता है बढ़ेगा, अभी तो टाइम है, अब जो भी 1-2 घंटे का वक्त है उसमें कुछ बढ़ सकता है, तो ऑन एन एवरेज लगता है 60-70 के बीच में रहेगा, तो एक संतोषजनक हम परिणाम यानी वोट परसेंटेज को कह सकते हैं पिछले चुनाव के तुलना में। और क्योंकि हम यहाँ पे वोटर टर्नआउट पर बात कर रहे हैं, तो एक फॉलो अप क्वेश्चन है, हमने देखा हर पार्टी ने जो फर्स्ट टाइम वोटर है, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी जो फर्स्ट टाइम वोटर था उसकी एनर्जी उसे लेकर बाकायदा एक संदेश देने की कोशिश की, और एक तरफ पार्टियों के लिहाज से भी वो इम्पोर्टेंट है और साथ ही देश के फ्यूचर के लिहाज से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज मैंने ये कहा कि जो एक बात हम सबको इक्वल ला खड़ा करती है और जो बहुत ही कॉन्क्रीट है वो है हमारा वोट। किसी VIP के वोट में भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि मेरे, आपके या फिर किसी और व्यक्ति के वोट में है। जी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन इस बार के जो वोटर में करीब 63 लाख टोटल वोटर्स में से 1,80,00,000 नई वोटर्स हैं जो 18+ वाले हैं। इस सरकार ने आगे पिछली बार, मतलब मोदी सरकार ने 2019 से लेकर के 24 के बीच में एक नया संशोधन, एक नया अध्यादेश जारी किया कि पहले था कि आप जनवरी को 18 वर्ष होते हैं तो यू कैन इनरोल यूर एज ए वोटर्स, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जिस दिन जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जिस दिन भी आप 18 साल के हो जाते हैं आप अपने को वोटर्स के रूप में नामांकित कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। तो एक नया डेवलपमेंट है ये पूरी व्यवस्था के क्रम में, तो उसके कारण भी वोटर्स बढ़े हैं। और उसके पीछे जो यदि देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो परीक्षा पे चर्चा है, जो मेरा अपना आकलन है, या फिर यूथ को कनेक्ट करने की बात है, या फिर जैसे कि यूट्यूब जो इन्फ्लुएंसर हैं या क्रिएटर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, तो ये सब मुझे लगता है कि एक तरह से उनका ये
प्रयास रहा है कि नए वोटर्स को, यूथ को कैसे कनेक्ट किया जाए अपने विचारों से, अपने पार्टी से, तो उनकी कोशिश रही है। उनकी तुलना में विपक्षी को देखिए तो रचनात्मक, उस ऐसा रचनात्मक कोई कार्यक्रम नहीं दिखा है उनका, तो उसमें सिर्फ कोसने वाली बात है। वरुण जी एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, महंगाई बेरोजगारी विपक्ष बोलते रहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 1950 से लेकर आज तक का आप मुद्दा उठा कर देख लीजिए, हर मुद्दे में यानी हर चुनाव में, जो हर चुनाव में मुद्दा रहा है गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई। तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और एक और ऐड कर दीजिए इसमें थाली, जो कि इन सबका जिस्ट है। लेकिन वो तो है, लेकिन मैं ये अपने आप में बहुत ही, इसको हम अपने गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए क्या माने, इसको हास्यास्पद माने, किसको ब्लेम करें भाई। अभी जो बात हुई कि 1971 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ नारा दिया, आज उनके वंश के राहुल गांधी जी कह रहे हैं एक झटके में एकदम निपटा दूंगा, गरीबी हटा दूंगा। आप कौन से जादू की छड़ी आएगी, या झाड़ू से करेंगे या डंडे से करेंगे, कैसे करेंगे, उसका कोई मॉडल? वरुण पुरोहित से जवाब ले लेते हैं, मॉडल मतलब ये एक सवाल है, हम पब्लिक के नाते जानना चाहते हैं जादू की छड़ी क्या है। ठीक है जवाब ले लीजिए वरुण पुरोहित। अदिति जी, पब्लिक ये भी तो जानना चाहती है ना, 10 साल में 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार दे रहे, 13 साल फिर कहने लगे नाले से गैस निकाल लो और चाय पकौड़े, तो जनता ये भी तो देख रही, 10 साल से जनता बोर हो चुकी, परेशान हो चुकी, मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी है, इसलिए लोग परेशान है। निजीकरण इतनी तेजी से धुआंधार तरीके से इन्होंने किया है कि जो ST SC वर्ग जो पूर्वी राजस्थान में मैं बता रहा हूं, मैं तो देखिए कई बार पार्टी से उठ के भी बात करता हूं, उनके लोगों को एक आरक्षण की आशा हुआ करती थी, जो ST SC वर्ग है वो आरक्षण से नौकरियां, अब आप उनको कह रहे हो स्वावलंबित हो जाओ, ये हो जाओ, जब तक आप उनको दूसरी नौकरियां नहीं दे रहे, आरक्षण को आप समाप्त कर रहे हो निजीकरण से, तो उनके अंदर ये बैठ चुकी बात, ये अभी आपको वोटिंग पैटर्न में दिखने को दिखेगा 4 तारीख को। मैं कोई कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करता, आम आदमी, आपने थाली की बात की, थाली का आप प्राइस देखिए, रोज आदमी रोटी नहीं खा पा रहा, सब्जी नहीं खा पा रहा, फल तो दूर की बात हो गई। आदित्य जी, बच्चे आजकल, अपन लोगों की बात मैं नहीं करता किसी की भी, लेकिन जनरल आप देखोगे तो जो बढ़िया बढ़िया फल होते थे वो बच्चे टेस्ट नहीं कर पा रहे। मैं आपसे यही कह रही हूँ वरुण पुरोहित जी, थाली कोई ऐसा नहीं पिछले 10 दिनों में इलेक्शन मेन्यू पर आई है, ये थाली हमेशा से इलेक्शन मेन्यू का हिस्सा रही है। हर पार्टी आकर, कभी कोई फ्री में अम्मा रसोई की बात करता है, कोई किचन की बात करता है, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह ये थाली रही है, अलग अलग टाइम पर, और मुझे अलग अलग टाइम नहीं, मुझे कहना चाहिए एक ही कांस्टेंट है इन इलेक्शंस में, और वो ये थाली है। और मैं ये सोचती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि हमने चंद्रमा के साउथ पोल को कॉन्कर कर लिया, लेकिन इलेक्शंस को आज देखिए आप, सोचने वाली बात है कि 21वीं सदी में भी इतनी प्रोग्रेस करने वाला, इतना आगे बढ़ने वाला भारत, अगर उसकी उसका चुनाव आज भी थाली पर आ जाए, तो सोचने वाली बात है कि जो राजनीतिक इसका केंद्र या राजनीतिक जो नैरेटिव है वो कहाँ है, और देश की जरूरत का, ये सारी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान होंगे, जल्दी से एक एक कमेंट। समाजवादी पार्टी से एसके दुबे आपको दिखाई दे रहे हैं। एसके दुबे साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने जोरदार प्रहार किया, सीधे तौर पर कहा कि जो शूटिंग चल रही है, उस शूटिंग पर सीधे तौर पर निशाना साधे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर, जवाब आपका? ये बड़ी विडंबना है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि उनको ये कहा जाता, उनको वो कहा जाता। आप भी संयम रखिए अपने भाषण में, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो आप दूसरे को कैसे ज्ञान दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीति करिए राजनीति में, लेकिन शब्दों की मर्यादा होना बहुत जरूरी है। और बीच में अभी ये कार्यकाल देखा गया है कि कुछ समय से कि मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। मैं आज आपके चैनल पर दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी भी किसी पॉलिटिकल नेता के लिए एक शब्द भी कभी नहीं बोला है। तो आप कम से कम इतना, देश के प्रधानमंत्री हैं, शब्दों का चयन करना आपको वो रखिए। और हमेशा ये लोग ऐसा बोलते हैं कि सहजादे सहजादे, अरे सहजादे क्या होता है, माननीय मेरे जो नेताजी थे वो मालूम है कि किस बैकग्राउंड से आते थे, उनके घर की परिस्थिति क्या थी, और आज आप क्या हैं, आप भी कैसी परिस्थिति से आए थे, आपकी आज की परिस्थिति, आपके परिवार की परिस्थिति क्या है, मेरे से पूछिए ना, मैं गुजरात से भी हूँ, बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके घर की परिस्थिति क्या है। तो ये देखिए, दूसरे पे कीचड़ उछालने से पहले आप अपने गिरेबान में जरूर एक बार झांकिए कि आपकी परिस्थिति क्या है। जवाब ले लीजिए रुचिका अग्रवाल से, जवाब ले लीजिए जल्दी से रुचिका अग्रवाल से।
से वो पार्टी बोल रही है जो गठबंधन की साथी है, जिन्होंने कभी किसी प्रधानमंत्री को कुछ भी गलत से गलत बोलने में एक सेकंड की चूक नहीं करी, और वो प्रधानमंत्री के साथ साथ महिलाओं की किस तरह से अपहासा यूज करी जाती है वो एसटी के सारे लोग जानते हैं। इनके तो सबसे बड़े से बड़े लीडर ने महिलाओं के लिए कितनी गंदी गंदी टिप्पणी दी है वो सबको पता है। तो इसलिए गलत भाषा और किस तरीके की लैंग्वेज, किस तरीके के अपशब्द अगर प्रधानमंत्री को जो बोले जाते हैं चौकीदार चोर से लेके, मतलब मैं तो बोलना भी नहीं चाहती वो शब्द, मैं अपने डिबेट में भी बोलना नहीं चाहती जिस तरीके की अभद्र भाषा प्रधानमंत्री से यूज करी गई है। और मैं एसपी के साथी हमारे हैं उनसे ये जरूर कहूंगी कि आप अगर आप ये कहते हैं कि आपकी पार्टी के लोग भी गलत शब्द नहीं बोलेंगे या नहीं बोलते हैं, तो आप अपने इनकी गठबंधन के जो आपके साथी है ना उनको भी बोल दीजिए वो भी कुछ ना बोले जिस तरीके की भाषा। चलिए ठीक है, भाषा की मर्यादा से आगे आज फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई है और इस वक्त चल रही है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है और लगातार जो आंकड़ा आ रहा है वो ये दिखा रहा है कुमार राकेश जी कि खासतौर पर यूपी उत्तराखंड की बात करें तो रफ्तार सुस्त है, लेकिन बंगाल त्रिपुरा आसाम इसके अलावा हम कुछ और राज्यों की बात करें तो वहां रफ्तार तेज है, ये क्या दिखा रहा है? अब देखिए ये 102 जो क्षेत्रों में जो सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो हैं उत्तर पूर्व राज्यों के हैं, और उसमें अरुणाचल का विधानसभा है, सिक्किम का विधानसभा है, तमिलनाडु के 39 की 39 सीट्स हैं। तो ये कुल मिलाकर के यदि देखा जाए, जैसा आपने कहा उत्तराखंड में कम वोट परसेंटेज है, तो पहाड़ों की जो स्थिति है वहाँ पे कई तरह की व्यवस्था है। अरुणाचल में मुझे याद है करीब 15-20 साल पहले की बात है कि एक जगह 6 मतदाता थे, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की, वो डब्बा लेके गए उनका मत लेकर के फिर आए, तो एक व्यवस्था का सवाल है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में वोट परसेंटेज 50-55 के आसपास अमूमन होता है। लेकिन जो आपने त्रिपुरा की बात कही, त्रिपुरा में 2 क्षेत्र हैं, मैं त्रिपुरा गया था अभी, पश्चिम है और वो पूर्व है, वो जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर एक टिपरा मोथा है जो आजकल भाजपा के साथ आ गई है, IPFT थी वो भी इनके साथ आ गए हैं, तो 2 सीट्स हैं, दोनों सीटों में वहाँ मोदी मुमकिन वाला ही मुझे सीन लगा कैंडिडेट को लेकर के। वहाँ विप्लव देव हैं, पहले फार्मर CM थे, फिर उनको राज्यसभा लाए, फिर वो चुनाव लड़ने गए, अभी वहाँ पे जो सिटिंग थी प्रतिमा भौमिक थी, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और IPFT में वो जो देव बर्मन हैं। तो वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ मैं कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो वहाँ जो बोला 25 वर्षों का जो लेफ्ट का था शासन उससे लोग त्रस्त थे, और अभी भी उनकी अपेक्षाएं बहुत काफ़ी हैं और काफ़ी काम हुए हैं जो ग्राउंड लेवल पर दिखे हैं विकास के काम। ठीक है। और पहली बार उन लोगों ने बताया कि कोई सरकार उनके गाँव आई, मैंने कई जिलों मतलब देखा जाए करीब उसमें 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 संसदीय हैं, उत्तराखंड में भी 5 हैं, 5ों के 5 में कि जो भी है अब की बार वास्तव में, मैं विपक्षी से पूछा, जैसे कि आप मान लिया कि नैनीताल उधम सिंह नगर की बात करें, वहाँ संजय भट्ट केंद्र राज्य मंत्री हैं, वो कैंडिडेट हैं, अनिल बलोनी गढ़वाल से हैं, अजय टमटा पहले वहाँ थे अल्मोड़ा से, तो वहाँ जैसे कि अजय भट्ट के इलाके में एक प्रकाश जोशी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मुझे दूर दूर तक उधम सिंह नगर से लेकर नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा रन कहीं भी 1-2 गाड़ियाँ देखी, 1-2 होल्डर पोस्टर देखा कांग्रेस का, और बेचारे बड़े परेशान और बहुत ही ये कि अब विरोध करें तो कैसे, प्रचार तंत्र नहीं है, वही BJP को लेकर के कुछ ऐसे ऐसे लोग थे, संसाधन है उनके पास, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं काम भी हुआ नहीं, लेकिन इसे लेकर तो विपक्ष कह रहा ना कि आपने उनके संसाधनों पर चोट की है, संसाधन नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया दी थी, मैं इसको क्लियर कर दूं, मुझे इस बात का बहुत ही दुख है, अब कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है विपक्ष के, एक बहुत ही गलत नैरेटिव देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के माध्यम से गया, जिसमें अमेरिका ने इंटरवीन किया, जो बताया गया कि इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, बहुत ही गलत बात है, और उनके उसको लेकर के हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया उनके अपील को, वो लियन था, वो फ्रीज नहीं था, और उसमें बहुत ही लंबा मैं 3 लाइन में बात करना चाहूँगा कि यदि आप कोई आप लोन लेते हैं या मान लिया इनकम टैक्स है आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, इनकम टैक्स बनता है मान लिया 20 लाख या 15 लाख और आपने पे नहीं किया, आपने इनकम टैक्स से बोला, तो फर्स्ट फेज की पोलिंग अभी चल रही है। इम्फाल से अपडेट ये कि वहां पर फर्स्ट फेज की पोलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है और जो चुनाव आयोग की टीम है वो निकल चुकी है, ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। EVM मशीन्स को जैसे कि प्रोसीजर है प्रोसेस है सील किया जा चुका है, तो यहाँ पर आप
आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि इम्फाल में जो पोलिंग है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 102 जहां पर आज फर्स्ट फेज में पोलिंग हुई है या हो चुकी है। इन 102 सीट्स में से बात की जाए तो 40 सीटें जो थी इन 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 40 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी 2019 में। इस वक्त जो तस्वीर है ये इम्फाल से तस्वीर है, जरूरी जो कार्रवाई होती है वो करते हुए आप इन तस्वीरों में चुनाव अधिकारियों को देख सकते हैं, क्योंकि इम्फाल में फर्स्ट फेज में पोलिंग थी जो कि खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सील कर दिया गया ईवीएम को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, वो आप इस अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, पूरी जो प्रक्रिया है इसे समझ भी सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से। राकेश जी, यहाँ पर अभी हम होम मिनिस्टर को सुन रहे थे, वो बोले कि मैं बनिया हूँ और पूरा कामकाज का ब्यौरा लेकर आया हूँ। जब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये होगा, क्योंकि 102 सीटें हैं इम्फाल में, भले ही कंक्लूड हो चुका हो, लेकिन अगर 102 सीटों के लिहाज से बात की जाए, ये जो जिस तरह से नैरेटिव बिल्ड किया है बीजेपी ने 400 पार का, और मोदी सरकार और जो उसमें मंत्री रहे हैं सभी बार बार डेटा की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पाई पाई का लेखा जोखा लेकर आया हूं, तो एकदम आंकड़ों के माध्यम से बीजेपी वोटर को यह बता रही कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। आपने बिल्कुल सही बात किया अदिति, जो रिपोर्ट कार्ड की बात आई, और शायद पहली बार भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अपने इम्प्लीमेंटेशन को लेके, क्रियान्वयन को लेके इतना चिंतित है और संवेदनशील है। ये कह रहा है कि एक एक व्यक्ति मोदी है, मैं भी सुन रहा था, और आप मेरे प्रतिनिधि हैं, जो काम जहाँ पर नहीं हुआ हमें रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के उनके पास कई संसाधन हैं, साइट भी हैं, ट्विटर भी हैं, और कई ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो बात है, पहले वही परेशानी थी 1997 के, लोगों ने, सभी दलों ने, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी भी, कांग्रेस में भी सवाल उठता था कि राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है, तो वो जो बार है 10 वर्षों में क्या हुआ कि जो 50 करोड़ बोल रहे हैं खाता खुला है, तो वो एक जो इकोनॉमी में एक मतलब एक शक्ति मिली है भारत के आर्थिक पहलुओं को लेकर के, कि वो सीधा पैसा पहुंच रहा है, बीच का जो मिडिलमैन है बिचौलिया समाप्त हो गया है, और जिनको जो लाभान्वित है उनको मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री की बात कहने का मतलब है कि मैं जो कह रहा हूँ आप उसको समझिए नहीं, उसका आकलन कीजिए, उसका पूरे अन्वेषण करके पूरे उसके एक ऑडिट रिपोर्ट आप मुझे भी दीजिए, लेकिन मैं आपको जो दे रहा हूँ ये सत्य के आधार पे है, सारा कुछ है। तो उसके हिसाब से ये एक नई बात है नए लोकतंत्र के, नए भारत की, जिसको हम सबको समझना पड़ेगा, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ठीक है, तंत्र को समझने की बात है। प्रमोद कुमार सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद कुमार सिन्हा जी, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक क्या कह रही है? देखिए, बिहार में 4 सीटों पर जो है मतदान आज हुआ, और बिहार की 4 में 4 सीटें जो है, चूंकि हम लोग 2020 का विधानसभा चुनाव ही जो देश की जो ज्वलंत समस्या थी, खास करके बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, उन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने 2020 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और चुनाव जो परिणाम आए उसमें राष्ट्रीय जनता दल जो है 1 नंबर की पार्टी बनकर के उभरी, मात्र 12,000 के वोट का अंतर मात्र रहा था। और हम अभी जो देश में जो वर्तमान में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार लोगों के बीच जाने का काम किया है, और जो मूलभूत समस्याएं थी जनता को, उन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग इस बार चुनाव में गए। और आपने देखा 17 महीने की जो हमारी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार, जो 2020 में हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वायदा किया था, मात्र 17 महीनों के भीतर में 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया, मात्र एक विभाग में 70 दिनों के भीतर 2.25 लाख नौकरी देने का। आप ये कह रहे हैं आप सारी सीटें जीत रहे हैं, आपका दावा ये है जो फर्स्ट फेज में पोलिंग हुई 4 सीटें आप जीत रहे हैं? जी जी, तो ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए बीजेपी से। अब रुचिका जी ये कह रहे हैं कि 4 सीटें ये निकाल रहे हैं, प्लस अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि भाजपा का पहला दिन, पहला शो फ्लॉप हो गया है, जनता को अब ना भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, ना कहानी और ना घिसे पिटे डायलॉग्स, भाजपा की खिड़की खाली है,
देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई, आपका जवाब। चलिए उन तक तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुमार राकेश जी, फ्लॉप शो बता रहे हैं अखिलेश यादव, माइंड गेम है और इज देयर ग्राउंड, इज इट ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रिपोर्ट आल्सो? अब अभी ग्राउंड रिपोर्ट 102 सीटों पे लेकर बोलना किसी के लिए, हमारे लिए या अखिलेश जी के लिए, आरजेडी के लिए, किसी के लिए भी एक न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। और जैसे अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने ये काम किए, तो मुख्यमंत्री तो हाँ नीतीश कुमार थे और जो भी क्रेडिट होता है मुख्यमंत्री को जाता है, तो ये एक दावेदारी की बात है और दावे को छीनने और झपटने वाली बात है। वो अपने अपने पार्टी के नेचर का मामला है, पार्टी के व्यक्तित्व का मामला है। लेकिन जो बात अभी आप जो कह रहे हैं अखिलेश जी का अदाकारी और जो भी है, अभी गाजियाबाद से गाजीपुर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कल उनका ये स्टेटमेंट था गाजियाबाद से गाजीपुर तक की जो हवा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो दरअसल पूरे देश का माहौल बदल रही है। तो मुझे लगता है कि हमारा वोटर इतना मूर्ख नहीं रह गया है इस पूरे सोशल मीडिया के दौर में, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, कि वो चीज़ों को जानता समझता नहीं है। तो जो भी वोटर्स है वो हम नेताओं से और लोगों से ज़्यादा संवेदनशील है। और जो करीब 65% ज़्यादा जो युवा वोटर्स हैं, करीब डाटा था कि 1,80,00,000 नए वोटर्स जुड़े हैं, वो हम आप और किसी नेताओं से ज़्यादा संवेदनशील और समझदार है। उनको समझ में आ रहा है कौन क्रेडिबल है, कौन काम कर रहा है। यो इंप्लीमेंटेशन थ्योरी जी हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। इंप्लीमेंटेशन थ्योरी की जो बात कही पीएम ने, वो भी एक ध्यान देने योग्य बात है किसी भी नेता के लिए। जवाब ले लीजिए पहले दुबे जी। राकेश जी जो आपने बोला इसमें 100% बात आपकी सही है कि जो युवा चुड़ा है वो ये समझ रहा है कि वो बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं तो अपनी ये जो उसको ईश्वर ने शरीर दिया, इतना पढ़ाई किया, वो आखिरकार उस पढ़ाई का फायदा क्या? वो बेरोजगार बनके क्या पकौड़े बेचेगा क्या? है प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि, और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि इसमें बुरा क्या है पकौड़े बेचने में? अरे भाई जो उस परिवार से पूछो, जो उस बाप से पूछे, जो बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान एक कर देता है, सारी खुशियां अपने उन बच्चों पे कुर्बान कर देता है, और जब वो बच्चा नौकरी के बगैर होता है तो उस पर क्या बीतती होगी? शायद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके यहाँ अरबों खरबों रुपया है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार में अरबों खरबों रुपया कमाया है, इसलिए उन्हें चिंता नहीं है। तो ये चिंता तो वही जान सकता है, वही महसूस कर सकता है जो उस दौर से गुजरा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी उस दौर से गुजरे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जैसा वो बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भी इस बात को सिर्फ जुमलेबाजी में ही निकाल देते हैं कि 15,00,000 हर घर में पहुंचेगा। चलिए ठीक है, कुमार राकेश जी जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं ये। दुबे जी बड़ी अच्छी बात कही आपने, मेरी बात को अपने शब्दों में घुमाने की कोशिश की, मेरी मंशा बिल्कुल वैसी नहीं थी और मेरा वो इंटरप्रिटेशन जो आपने किया शायद गलत किया। मेरा मानना है कि हर, जो मैंने आपने कहा फिर मैं रिपीट करता हूँ, कि हर एक युवा जिम्मेदार है और समझदार है। अभी मैंने कई, आपने सब देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, उनका दावा है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, कि पिछले दिनों 10,00,000 लोगों को रोजगार दिया उन्होंने, 6-8 महीने में सर्टिफिकेट बांटे, रोजगार पत्र बांटे, एम्प्लॉयमेंट लेटर बांटे। एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें युवा भी थे। कई बात आ रही है उसमें कि भाई कुछ पेपर लीक्स हुए, उसमें अभी आते ही राजस्थान में भी कार्रवाई हुई और यूपी में हुई, उस सिस्टम में कौन कौन लोग हैं? यदि एक अभी फिल्म आई थी कश्मीर फाइल की, लोगों ने कहा कि सरकार बदल लाओ, सिस्टम में मेरे ही लोग हैं, उसको भी देखने की बात है। हम आप सबको देखने की बात है सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं जो कि देश का विकास नहीं चाहते हैं। आपने 15,00,000 की बात कही, मैं सुन सुन के पक गया हूँ, देश से लेकर विदेश तक में पिछले करीब 25 वर्षों में कई देश घूमा, 10 वर्षों में कई देश घूमा, तो 15,00,000 का जो नैरेटिव्स है उसको समझने की बात है। एक समानता था कि प्रधानमंत्री के में होगा एडिटिंग जी के पास वो ऑडियो वीडियो, कि यदि वहाँ से काला धन आ जाता है विदेशों से, जन जिन देशों में है, तो 15,00,000 के बराबर सबके खाते में पैसा जा सकता है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं एक एक शब्द को सुना हूँ, कि सीधा आप हमको वोट दीजिए और 15,00,000 आप खाते में आ जाएंगे। तो ये जो नरेटिव बनाने की बात है उससे हमें बचना चाहिए, दुबे जी जवाब देना चाह रहे हैं, की बात करनी चाहिए, सच्चाई की बात करनी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए प्लीज दुबे जी। नहीं है ये नरेटिव नहीं है, ये माननीय वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जी ने
अपने प्रेस इंटरव्यू में बोला है कि एक जुमला था चुनाव के टाइम, लेकिन आपने भावनाओं के साथ खेला है देखिए। और अगर आप चाहिए तो मैं आपको इंटरव्यू है वो मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं वो क्लिप प्रोवाइड कर। और दूसरी बात, आपने वो जो दुबे जी है वो स्विट्जरलैंड में है या विदेश में कहां कहां है, आज तक क्या प्रोसीजर किया? आप दूसरे चीजों के लिए स्वेत पत्र ला सकते हैं। दुबे जी, अभी आज के मुद्दे पर आते हैं सर, अभी आज के मुद्दे पर आते हैं, काला धन ये थोड़ा सा मेन मुद्दा जो है उससे डाइग्रेस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटिकल नैरेटिव का बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का पहला शो फ्लॉप हो गया, इस दावे का आधार क्या है? कौन सी खुफिया रिपोर्ट अखिलेश यादव के पास पहुंची है? क्योंकि 6 बजे तक तो वोटिंग हो रही है अभी कई सीटों पर। नहीं, इसका आधार ऐसा है कि हम जैसे कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब ग्राउंड लेवल पे गए तो वहां रोष देखा गया, वहां किसानों से जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों से मिले तो उनमें एक आक्रोश था कि आखिरकार ये सरकार एमएसपी पे इतना विलंब क्यों करती है, इसको डिनाई क्यों कर रही है, क्यों इसको स्वीकार नहीं कर रही है। वहां पर जो रोजगार की बात थी, जो अभी हमने चर्चा की युवाओं के साथ, तो युवाओं में ये आक्रोश था कि आखिरकार हमारा भविष्य क्या होगा, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, क्या कर रहे हैं आप? डबल इंजन बोलते हैं हमेशा, डबल इंजन, लेकिन उस डबल इंजन का फायदा नीचे लेवल पे कितना है, समाज को कितना है? शायद कहीं ना कहीं इस बात को सोचना पड़ेगा जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं, जो जिनको पारदर्शिता रखनी चाहिए डिबेट में हमेशा। ठीक है सर, वैसे मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आपने वेस्टर्न यूपी का जिक्र किया, आपने आपकी टीम ने कितने गांवों का दौरा किया, और जब अभी हाल ही में किसानों का प्रदर्शन प्लान किया जा रहा था या किसानों का जमावड़ा था, वेस्टर्न यूपी में से कितने किसान अपने ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंचे? नहीं, देखिए हमारा हम कोई सर्वे करने नहीं गए मैडम, हम लोगों से बातचीत करने गए, और एज ए हमने प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के में लोगों से नहीं मिला। सुनिए आप 2 मिनट सुनिए मेरी बात। मैं आपसे जो कह रही हूँ वो मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके घर में किसानी होती है। वेस्टर्न यूपी में मेरा गांव है, गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है मेरी, मुरादनगर के पास गांव है, तो मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रही थी क्योंकि उस गांव और उसके आसपास के गांव के किसान को मैंने कभी ये कहते हुए नहीं सुना। उन्हें ये लगता है उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। जो पार्टियां किसानों के मुद्दे उठाने का दम भर रही हैं, उनमें से कई किसानों ने मुझसे ये पूछा, उन पार्टियों से जब अगली बार बहस कीजिएगा तो पूछिएगा कि उन्होंने हमारे लिए प्रदर्शन कब किया था, सड़क पर कब आए थे। तो ये जवाब आप मुझे दे दीजिए। नहीं, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एज ए समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे उनसे बात नहीं की, या राष्ट्रीय एक कार्यकर्ता के रूप में बात नहीं की। मैं जनरल लोगों से मिला हूँ, मैं जनरल लोगों से चर्चाएं की हैं, उसके बाद ये कंक्लूजन आया, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि लोगों में आक्रोश है सरकार के प्रति। अब चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, या कोई भी हो, रामपुर हो, केदाना हो, कुछ भी हो, पूरा बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे गाजियाबाद हो, तो वहां पर अगर आप ग्रामीण इलाके में जाते हैं तो लोगों में आक्रोश है। शायद मीडिया का कैमरा देख के और माइक देख के लोग ना बोले। दुबे जी, दुबे जी, वो क्लिप्स में आपको भेजूंगी, कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं करती मैं, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, गांव वालों से बात करने के लिए कैमरा ऑन नहीं करती हूँ। कुछ बातें नहीं मैं आपसे वही कह रही हूँ सर, हर चीज मीडिया से जुड़ी नहीं होती, ग्राउंड से जुड़ा एक फीडबैक होता है और उसे सिर्फ फीडबैक के तौर पे लिया जाना चाहिए, उसकी इंटेंट को क्वेश्चन करने की बजाय फीडबैक के तौर पर लिया जाना चाहिए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जब आप बहस करती हैं तो आप उनसे पूछिए जो पार्टियां आज हमारे हितैषी होने का दावा कर रही हैं, क्योंकि गन्ना किसान है इस वाले बेल्ट में, जहां मेरा गांव है वहां गन्ना है, वो पूछते हैं कितनी बार गन्ना किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है इन पार्टियों ने, पूछिएगा जरूर, मैं पूछ रही हूँ आपसे, पूछ रही हूँ ना। ठीक, तो हमारे सरकार में जितना हो सकता था हम लोगों ने किया था, जितना हो सकता था हमने किया था। सर, विपक्ष होने के नाते भी आप कह रहे हैं वो परेशान है, तो प्रोटेस्ट तो आप ही करेंगे ना सर, कितने प्रोटेस्ट आपने ऑर्गेनाइज किए, कब करेंगे सर? जितना भी किया है, 10 साल से आप पावर से आउट हैं, आप करेंगे कि करेंगे? नहीं, किया है और करेंगे। चलिए जवाब लीजिए रुचिका अग्रवाल से जवाब लीजिए। देखिए, भाजपा सरकार लगातार किसानों के लिए काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। जो बोरी यूरिया और खाद की 3,000 रुपए में विदेशों में बिक रही थी, वो हम 300 से भी कम रेट में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। 6,000 रुपए हर
किसान के खाते में जाती है। आगे भी हम प्रतिबद्ध है, एमएसपी भी हम लोग लगातार वृद्धि करते जाएंगे। हमारा काम जो है वो किसानों को खुश करना है और किसानों की जितनी भी परेशानियां हैं उनको कम से कम करना है। जिस काम में हमेशा से जो समाजवादी सरकार थी वो फेल होती आई है। ये जो प्रोपेगंडा की बात करते हैं ये वही प्रोपेगंडा है जो इस समय ये लोग टीवी पे बोल रहे हैं कि किसान परेशान है। किसान परेशान नहीं है, ये वो किसान परेशान है जिन लोगों को आपने परेशानी की एक सूरत दी है। वो परेशान है जिन लोगों को जो क्या अपने आप जैसे चौधरी जी आपने कहा क्या किसान जो है वो सिर्फ वही वाले हैं जो पंजाब में है वही किसान है क्या? बाकी जो तो देश में किसान है उन लोगों को लोग भाजपा सरकार की नीतियों से खुश है। जब उनके अकाउंट में पैसा आता है ना और जब वो अपने लिए यूरिया खाद खरीद पाते हैं उस पैसे से बहुत खुशी होती है। ये शायद दुविधा समझ नहीं पाए। चलिए ठीक है, इस वक्त जो बड़ी खबर है वो थोड़ा सा दर्शकों को एक बार फिर से उसका रुख कर लेते हैं। 102 सीटें 21 राज्यों की, वहां फर्स्ट चरण की वोटिंग अब बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, करीब 15 मिनट आप मानिए क्योंकि 6 बजे तक का शेड्यूल टाइम है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग खत्म हो चुकी है लेकिन कुछ में 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है। और हमने आपको इम्फाल से भी वो तस्वीरें दिखाई थी जिसमें ईवीएम को सील किया जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सील किया जा रहा था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 16,63,00,000 मतदाता जिसमें 36,00,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर, और अगर 21 से 29 वर्ष की आयु के वोटर की बात की जाए तो करीब 3.5 करोड़ वोटर्स यानी 16,63,00,000 में बात की जाए तो करीब 3.5 करोड़ वोटर जो है वो 21 से 29 वर्ष का है। तो अब कुछ ही मिनट बाकी हैं, हम आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि वोटिंग मताधिकार ये आपका हक तो है ही, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ड्यूटी भी है, क्योंकि अगर आप अपनी इस ड्यूटी का निर्वाह नहीं करेंगे तो आपके पास शिकायत करने का कोई हक नहीं है। और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात में है कि किसी का वोट किसी की भी वोट के ज्यादा नंबर नहीं, सबके वोट के एक समान नंबर है। फिर चाहे आप इस देश में वीवीआईपी हो या फिर आप इस देश में रहने वाले साधारण व्यक्ति हो, इसीलिए बार बार ये हम आपसे भी कह रहे हैं कि आप घर से निकलिए। छुट्टी का दिन नहीं है ये, आज राष्ट्र धर्म निभाने का दिन है और आप जाइए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। जिसके भी वादे पर आपको ज्यादा भरोसा हो, जिस पर आप यकीन करते हो, जिससे आपकी उम्मीदें टिकी हुई हो, आप उस उम्मीद उस पार्टी या फिर जिस उम्मीदवार को आप ज्यादा अच्छे से आकलन कर पाते हो और बेहतर मानते हो उसके लिए आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। ये अपील हम आपसे बार बार कर रहे हैं। यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं कि कैसे फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो एक क्रूशियल रोल निभाने जा रहा है, और प्रधानमंत्री का पोस्ट हो, दूसरे नेताओं के पोस्ट हो, सभी ये चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर उसके साथ आए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल, आपका फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं करीब 1,80,00,000 के आसपास, 16,63,00,000 वोटर्स में से इनका रोल बहुत ही अहम है, होने जा रहा है। और मैं देखा पिछले 2 वर्षों से, देखे आपने भी देखा होगा कि उनको एल्योर करने के लिए या लुभाने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कई उपक्रम रहे। ये किसी अन्य दलों में नहीं देखा गया, चाहे वो परीक्षा पे चर्चा की बात हो, चाहे डिजिटल क्रिएटर्स की बात हो, चाहे अभी उन्होंने गेमर्स को बुला करके बात कही। मेरा अपना विश्लेषण है कि वो सीधा सीधा जो वोट की राजनीति से मैं उसको जोड़ कर देखता हूँ, उनको किस तरह से अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से और कार्यों से उनको समझाया जाए, बताया जाए और प्रभावित किया जाए। तो ये वो जो लाभ है कमोबेश अधिक कहा जाए और ज़्यादा की संख्या में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के उस गारंटी में प्लस होने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है जो नए वोटर्स हैं, क्योंकि नए वोटर्स की बात तो विपक्षी दल सभी लोग कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन उनके लिए कोई जो पैकेज की बात है या कुछ काम करके या कुछ धरती पर उन्होंने बताया नहीं है। सिर्फ कोसने से या विरोध के लिए विरोध करने से तो कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ रचनात्मक कार्य करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कई ऐसे रचनात्मक कार्य किए और पॉलिसी की बात भी की, या यूनिकॉर्न की बात है तो स्टार्टअप की बात है, वहाँ फंड बढ़ाने की बात है, अभी उन्होंने संकल्प पत्र मुद्रा लोन जो है उसको बढ़ाने की बात कही। तो वो दिख रहा है उन युवाओं को और नए वोटर्स को कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है और कितना किया, और उसमें नरेंद्र भाई मोदी खरे उतरते हैं। मेरा अपना आकलन है, मैं बहुत निष्पक्ष भाव से बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए बोल रही थी कि ये क्योंकि 16,63,00,000 मतदाता की हम बात करें, जो नया वोटर है फर्स्ट फेज की पोलिंग में अगर बात करें तो वो करीब 36,00,000 है।
इनमें से करीब 36 लाख है और 21 से 29 वर्ष के बीच में कही जाए हाँ वो टोटल है और ये जो 21 से 29 है वो करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा है। तो हम प्रमोद कुमार सिन्हा जी, अब तो लास्ट कुछ मिनट बाकी, आपके जो सहयोगी हैं अखिलेश यादव वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का शो फ्लॉप हो गया, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही आता है कि इस दावे का आधार क्या है। देखिए राकेश जी, अभी कुछ सवाल चर्चा के दौरान रखने का काम किए हैं। आईएलओ का एक रिपोर्ट है जिसमें 83% जो है मतलब बेरोजगारों में 83% युवा है और जिसमें 65% शिक्षित बेरोजगार है। 46 वर्षों में बेरोजगारी दर सबसे उच्च स्तर पर है। अभी देखिए 30 लाख वैकेंसी जो है रिक्त पद पड़े हुए हैं जिनको इन्होंने 10 वर्षों में भी भरने का काम नहीं किया। और हमारे नेता चूंकि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस ने भी 30 लाख जो रिक्त पद है उसको तुरंत भरने की बात कही और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसी को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनेगी तो 30 लाख जो रिक्त पद है उसके अलावा हम 70 लाख और जो है नए पदों का सृजन करेंगे अन्य विभागों में और 1 करोड़ हम लोगों को जो है नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये हमारा विजन है जो हम लोगों ने जो कहा है 2020 के चुनाव में जो कहा। अभी एक सवाल ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नौकरी देता है तो मुख्यमंत्री 2020 के चुनाव में हाथ खड़ा कर दिए थे, उन्होंने कहा था कहां से पैसा लाएगा, बाप के यहां से पैसा लाएगा, इन तमाम शब्दों को उन्होंने रखने का काम किया था। लेकिन 9 अगस्त 2022 को हमारी महागठबंधन की सरकार बनी और 15 अगस्त को वही मुख्यमंत्री पटना के गांधी मैदान में कहते हैं कि इन्होंने जो वादा किया है 10 लाख नौकरी देने का वो तो हम देंगे और 10 लाख रोजगार भी देंगे। आप देखिए जो विभाग हमारे पास थे, विभागीय मंत्री प्रस्ताव बना करके कैबिनेट में ले जाते हैं, कैबिनेट में जाता है, वहां चर्चा होती है, उसके बाद जैसे सारे चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सिर्फ कह देना कि मुख्यमंत्री को क्रेडिट जाता है तो फिर विभागीय मंत्री ये कुमार राकेश से जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए कुमार राकेश से, ये रोजगार को मेन मुद्दा बता रहे हैं। और जो हमने देखा है कि आईएलओ का जो डेटा है उसे बार बार कोट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ, जब भी कोई एजेंसी डेटा जारी करती है और आप उस डेटा को देखते और समझते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उसने किन मानकों पर वो रेटिंग तैयार की है वो समझ भी आपको हो। और मैंने आपसे ये बात इसलिए बोली क्योंकि अगर आप भारत को देखेंगे, चाहे पॉवर्टी के लिहाज से देखें, चाहे डेमोक्रेसी के लिहाज से देखें, या फिर आप भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स पर देखें, कई सारे सवाल आपके मन में उन रेटिंग्स को लेकर खड़े होंगे। कुमार राकेश जी, अब बहुत अच्छा सवाल है दीदी जी। आईएलओ को मैंने कवर किया है, युवान समावियो रहे हैं कई सचिव, मैंने 15-20 वर्षों की बात है रिपोर्टिंग के जमाने में, और आंकड़े और डाटा और वो जो आपने मानकों की बात कही, बहुत अच्छी बात कही, कैसे बनते वो देखने की बात है। मुद्दा ये है कि हम देश की छवि को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के डाटा को बढ़ाने के लिए या छवि को धूमिल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो राहुल गांधी जी करते रहे हैं देश में नहीं बैठ करके, विदेशों में बैठ करके देश की छवि को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वो उनका आउटलुक है। रही बात, इन्होंने अभी बात कही कैबिनेट और प्रोसेस की बात कही, मैं गवर्नेंस भी कवर करता रहा हूँ, बिहार भी कवर किया हूँ, वो भारत के यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी कवर किया हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेतृत्व होता है किसी भी सरकार में, यदि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री, कोई मंत्री बोले मैंने किया है और फिर प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो मुहर लगती है कैबिनेट में सीएम की लगती है। और तीसरी बात, तेजस्वी यादव जी के, प्रमोद जी शायद पढ़े लिखे हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तेजस्वी यादव जी का जो बौद्धिक स्तर है और वो कितना उच्च स्तर का है ये भी सोचने समझने की बात है। राकेश जी, इस तरह की टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? मैं सीधी बात कर रहा हूं, इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए ना सर। मैं एजुकेशन और नहीं एजुकेशन मानक है दीदी, एजुकेशन मानक है सर। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि आपकी मैच्योरिटी सिर्फ एजुकेशन से डिसाइड हो जाएगी ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, वो आपके मेरे दादा परदादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात है, मैं उसको नहीं लेता हूं, लेकिन जो लीडर जो लीडरशिप क्वालिटी, स्कूलिंग भले ही ना मिली हो लेकिन विजडम के लेवल पर आप उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते। आज भी मैं Despite my foreign degrees, they are wiser than me. लेकिन वो ठीक है, वो व्यावहारिकता का आधार पर आप बोल सकती हैं, लेकिन जब सरकार है और कैबिनेट है वहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात है, तो ये किसी को एक व्यक्ति को क्रेडिट देना या तेज प्रताप जी को क्रेडिट देना किसी अन्य को क्रेडिट देना वो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। ठीक है, वो आपका एक अलग बिंदु है और उस पर वो डिबेटेबल है, लेकिन किसी पर जाकर निजी टीका टिप्पणी करना वो शोभा नहीं। जो फैक्ट है उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, सच बोलने में नहीं, नहीं
बिहार में जनता ने उनको दो दो बार विधानसभा भेजने का काम किया, उसमें कोई दो मत नहीं है, उसमें कोई दो मत नहीं है, वो इलेक्टेड है, हम लोग चुनाव लड़े, उसमें कोई सवाल नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, पर वो जी, और उसके बाद आप इस तरह चलिए डिबेटेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी डिबेटेबल नहीं है, निजी टिकट टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं इस शो को यहीं क्लोज कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए।